Hi guys, welcome back to my channel Super Beauty and thank you so much मेरे नए channel को इतना प्यार देने के लिए क्योंकि अगर beauty यहाँ है तो यहाँ पर तो झलकेगी झलकेगी। आज की video में अब मेरे पास बहुत सारे comments तो आए रहे हैं इस question से regarding बहुत लोग confused हैं कि sunscreen पहले लगाना चाहिए या serum, toner, moisturizer क्या पहले लगाना चाहिए और sunscreen हर कोई बोलता लगाने को तो कैसे करें? तो अगर आप मेरा main channel JSuper Kaur देखेंगे मैंने DIY sunscreen घर पे कैसे बनाया कैसे लगाना है एवरीथिंग बहुत सारी चीजें वहां ऑलरेडी शेयर कर रखी है यहाँ पर कहीं पर आपको मैं लिंक दे दूंगी उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बाबे में लेकिन आज मैं आपको सारा विद डेमो अच्छे से बताऊंगी कि सबसे पहले जब हम मुंह धो के आते हैं ना बिल्कुल मुंह पे कुछ भी नहीं लगा होता उसके बाद हमें अपनी स्किन की केयर कैसे करनी चाहिए सनस्क्रीन कैसे लगाना चाहिए तो पूरा डेमो देखते हैं एंड सारी कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी स्पेशली जो टीनेजर गर्ल्स हैं या बिगिनर्स हैं जो मेकअप नया नया करना सीख रहे हैं या अगर आप मेकअप नहीं भी करते हो ना तो भी आपको सनस्क्रीन जरूर लगाना चाहिए ठीक है और अब डेमो की तरफ बढ़ते हैं ज्यादा बातें नहीं करते लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो दोस्तों हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ये मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन हो जाएगी तो सुबह सुबह हमारा फेस जो वॉश कर लेते हैं कोई भी फेस वॉश आप मेरा DIY भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे उसके बाद हमें टोनिंग जरूर करनी है ठीक है आप मेरे मेन चैनल पे JSuper Kaur टोनर टाइप कीजिए बहुत अच्छे अच्छे टोनर्स मैंने शेयर कर रखे हैं घर का यूज़ कर लीजिए बाजार का रोज वाटर भी यूज़ कर सकते हैं टोनर को अच्छे से मैं स्प्रे कर लूँगी फेस पे उसके बाद एक लिप बाम लगा लेंगे लिप बाम भी आपको मेरे JSuper Kaur चैनल पर मिल जाएगी नहीं तो देसी घी भी बहुत अच्छा लिप बाम का काम करता है बस कि टोनर को आप इस तरह से स्प्रिट्स करके इसको ड्राई होने दें तो सबसे पहले हम फेस वॉश यूज़ करते हैं क्लेंस करते हैं उसके बाद टोनिंग करते हैं क्लेंसिंग एंड टोनिंग नेक्स्ट थर्ड वैसे तो मॉइस्चराइजिंग होता है लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन की साइड पे हो या थोड़ा एक्स्ट्रा हाइड्रेशन देना है तो हम या तो आप मेरा कोई भी लोटस जेल कोई भी आप मेरे इंस्टा स्टोर से ले सकते हैं या फिर आप ग्लो सिरम जो मैंने DIY JSuper Kaur चैनल पर शेयर कर रखे हैं वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर मैं O2 या आई थिंक कैमिलियन का है ये ग्लो सिरम इट्स अ गोल्ड एलेक्सियर बहुत अच्छा है और आप मुझसे बाय भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम स्टोर JSuper.store से अदरवाइज़ आप बना लीजिए मैं आपको सारी ऑप्शंस देती हूँ इस तरह से आप थोड़ा सा 4 ड्रॉप्स लगाकर उसको इस तरह से डैप कर लेंगे ताकि वो स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए ये अभी मैंने फुटेज दिखाई थी JSuper Kaur फेशियल ऑयल भी मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा तो इसको भी आप 1-1.5 मिनट के लिए लगने दें 30 सेकेंड्स भी लगने दें वंस ये आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा उसके ऊपर हम मॉइस्चराइज़र लगाएंगे आप अगर ऑयली साइड के हैं तो आप फेशियल ऑयल वगैरह अवॉइड कर सकते हैं सिरम भी अवॉइड कर सकते हो या वाटर बेस्ड जेल बेस्ड सिरम यूज़ कर सकते हो जैसे मेरा लोटस जेल वगैरह है एलोवेरा जेल यहाँ पर मैं मॉइस्चराइज़र मैंने JSuper Kaur चैनल पर भी शेयर कर रखा है अदरवाइज़ यहाँ पर मैं फेसेस का हाइड्रा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ मुझे बहुत पसंद है किसी भी प्रोडक्ट पर आप रिव्यू चाहते हैं तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन नीचे कॉमेंट्स करके बताइए ताकि मैं किसी भी प्रोडक्ट पे रिव्यू दूँ या फिर खरीद के आप मैं वो करूँगी नाउ आई एम श्योर आपकी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी अब आपने मॉइस्चराइजेशन जब अपने फेस पे कर लिए तो उसके बाद आप सनस्क्रीन लगाएंगे ऊपर से ठीक है आप JSuper Kaur सनस्क्रीन मेरे मेन चैनल पे DIY सनस्क्रीन इंडिया में कौन से टॉप सनस्क्रीन है वो भी देख सकते हैं यहाँ पर मैं तिजोरी का सनस्क्रीन लगा रही हूँ मेरा फेवरेट सनस्क्रीन है थोड़ा प्राइसी है बट इट्स वेरी गुड फिजिकल सनस्क्रीन है इसमें जिंक ऑक्साइड होती है तो ये थोड़ा सा वाइट कास्ट डेफिनेटली छोड़ता है बट ये थोड़ी देर में अभी आप लाइव वीडियो में देखेंगे सटल हो जाएगी सेटल हो जाएगी अब इसको अच्छे से जैसे अगर आप बिल्कुल चिलकती कड़कती धूप में जा रहे हैं स्कॉर्चिंग सन में जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक चम्मच भर के अपने फेस पे आधा चम्मच एक चम्मच आर्म्स पे दोनों पे लगाएंगे अच्छे से एक लेयर हमको बनानी ही बनानी है और अगर आप थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर दोपहर शाम में जा रहे हैं 4-5 बजे तो आप थोड़ा हल्का कम लगा सकते हैं और अब देखिए अच्छे से इसको मैंने अपने फेस पे लगा लिया है क्रीम की तरह ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है वैसे सारे स्किन टाइप्स के लिए अच्छा है बिकॉज इसमें जिंक ऑक्साइड है अगर आपकी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव है या ड्राई ऑयली साइड पर है तो आप जेल बेस्ड सनस्क्रीन ले सकते हैं ठीक है जेल बेस्ड सनस्क्रीन आपको मेरे स्टोर से इंस्टाग्राम स्टोर से JSuper.store से मिल जाएगा नहीं तो वही सनस्क्रीन मैंने कल मेरे मेन चैनल JSuper Kaur पे शेयर करा अगर मेरा कल का वीडियो JSuper Kaur का नहीं देखा है प्लीज़ वो देखिए बनाइए लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बार में भी दे दूंगी और पिन कमेंट जो इस वीडियो के नीचे पहला कमेंट होगा सारे रेलेवेंट लिंक्स दे दूंगी आपको मैं एक और सनस्क्रीन लगाकर दिखा रही हूँ ये दोनों मेरे फेवरेट हैं इसका मैंने वीडियो बनाई रखा है ये है खादी का सनस्क्रीन इसमें SPF 30 होता है इट्स वेरी गुड अगेन फिजिकल सनस्क्रीन मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं और साथ में मैंने अरोमा मैजिक का वो जेल बेस था ठीक है तो आप अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं उसको अच्छे से अपने फेस पे लगा लीजिए आपको एक टिप भी देना चाहूँगी कभी कभी ऑब्वियसली हमारा रोज़ मेकअप करने का दिल नहीं करता तो आप अगर कभी थोड़ा डल स्किन लग रही है थोड़ा ब्राइटन इफेक्ट चाहते हो तो आप ये फिजिकल सनस्क्रीन लगा सकते हो थोड़ा सा आपकी ब्राइटनिंग इफेक्ट आ जाएगी तो दैट्स इट आप मॉइस्चराइजेशन के बाद सनस्क्रीन लगाएं और इसके बाद आप फाउंडेशन जो भी आपने मेकअप करना है वो आप करिए
पहले सनस्क्रीन का बैरियर लगाना है. और अगर आपकी बीबी क्रीम या फाउंडेशन में मिनिमम एसपीएफ 30 है तो आप सनस्क्रीन ना लगाएं, डायरेक्ट वो लगा सकते हैं. और अगर नहीं है तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं धूप से बचने के लिए. और तो एज अ सिस्टर, एज अ बेस्ट फ्रेंड, यू नो, हक से कहूँगी कि प्लीज़ अपने फादर, ब्रदर, बॉयफ्रेंड, लड़कों को भी, मेल्स को भी, बड़े उम्र, छोटे उम्र, सबको सनस्क्रीन लगाना चाहिए, क्योंकि धूप जो है भेदभाव नहीं करती. क्यूजन और हो जाएगी. आप पूछेंगे जैसे बुखार, अगर हम घर से बाहर ही नहीं जा रहे तो हम सनस्क्रीन क्यों लगाएं? तो डेफिनेटली तब आप सनस्क्रीन लगाएं, पर या कोई मॉइस्चराइजर ऐसा लगा लें जिसमें कम से कम एसपीएफ 15 या 20 हो. जैसे फेसेस का मैंने मॉइस्चराइजर दिखाया था ना, इसमें एसपीएफ 15 या 20 है. तो आप ये घर पे अगर रह रहे हैं तो डेफिनेटली लगा सकते हैं. या कोई बीबी क्रीम अगर आप डेली बेसिस पे लगाते हैं तो उसमें भी ध्यान रखें कि एसपीएफ 20-30 भी होना चाहिए. तो इंडोर्स भी हैं तब भी सनस्क्रीन चाहे कम हो पर लगाना चाहिए. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप नहीं, आई एम श्योर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. लाइक करने में कंजूसी मत करो, फ्री का लाइक है और सब्सक्राइब भी कर दीजिए. मेरे बेस्ट फ्रेंड बन जाइए, सुपर ब्यूटी फैमिली का हिस्सा बनिए एंड सब्सक्राइब करोगे, साथ में बेल बटन भी उसको जरूर क्लिक करना. नहीं तो आधे लोग कहते हैं वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं है, उसमें बेल जब आप क्लिक करोगे ना तो ऑप्शंस आती हैं बेल की कि ऑल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन चाहिए या सब वीडियोज़ की, तो आप ऑल पे क्लिक करना. एंड दैट्स इट. इसी तरह से हमें प्यार करते रहिए और बेस्ट फ्रेंड्स बने रहेंगे, एक दूसरे को संभालते रहेंगे एंड सुंदर बनते रहेंगे, दिखते रहेंगे अंदर से भी और बाहर से भी. और जो भी रिक्वेस्ट है वो पूरी करूंगी. नीचे कॉमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, इवन मेल्स वगैरह के साथ, अपने बॉयफ्रेंड, फादर, हस्बैंड, भाई, सबके साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी सनस्क्रीन सही तरीके से इस्तेमाल करें. ठीक है गर्ल, जय सुपर कौर फ्रॉम द चैनल सुपर ब्यूटी, क्योंकि अगर ब्यूटी यहाँ है तो यहाँ पर तो झलकेगी झलकेगी. बाय, लव यू ऑल.